फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 22 अगस्त 2020 और 22 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया है। अभी हाल ही में 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 21 अगस्त। हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। ये दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जैसे कि उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और समर्थन, सम्मान तथा वरिष्ठ नागरिकों की उपलब्धियों को सम्मानित और उन्हें पहचानने के लिए 21 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया है। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से रिलेटेड द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सही नहीं, ये दूसरे क्वेश्चन का है, मैं आपको इसके बारे में भी बाद में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अभी हाल ही में इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, इंदौर। ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में स्टार लगा के नोट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, इंदौर। वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें इंदौर ने लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का अपना दर्जा बनाए रखा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOUHA द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव के नाम से आयोजित आवासीय कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के जो पुरस्कार हैं उनके परिणामों की घोषणा की है। ये देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है, आपको याद रखना है, ये 5th एडिशन है स्वच्छता सर्वेक्षण का। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों और राज्यों को कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। मैसूर ने 2016 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कार भी जीता था, लेकिन उसके बाद लगातार 2017, 18, 19 और इस बार 2020 में लगातार 4 वर्ष से इंदौर टॉप पर रहा है। आइए हम कुछ आंकड़ों के बारे में जानते हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए जो लिस्ट जारी की गई है उसमें इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का है टॉप पर रहा, गुजरात का सूरत ये दूसरे नंबर पर रहा, और महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर ये तीसरे नंबर पर रहा है। ये बात हो रही है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की। अब 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात करते हैं, तो उसमें महाराष्ट्र का कराड पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र का ही सासवत दूसरे नंबर पर है, और महाराष्ट्र का ही लोनावाला तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है। अगला फैक्ट है कि 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य, यानी ऐसा राज्य जिसमें 100 से अधिक शहर हैं और उनमें स्वच्छता के मामले में वो शीर्ष पर हैं, उसमें छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा, जबकि 100 से कम शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य है झारखंड। सबसे स्वच्छ गंगा शहर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। शहर के क्षेत्रों को साफ रखने में अधिकतम नागरिक भागीदारी में उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर टॉप पर रहा, यानी शहर को जो साफ रखते हैं उनमें सिटीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी वहाँ के नागरिकों का कितना योगदान है, उस मामले में उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर टॉप पर रहा। इसके अलावा
40 लाख से अधिक आबादी वाली सबसे स्वच्छ मेगा सिटी में गुजरात का अहमदाबाद टॉप पर रहा। 40 लाख से अधिक आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ सेल्फ सस्टेनेबल शहर में सबसे पहले बेंगलुरु जो कि टॉप पर रहा। ये कर्नाटक की वर्तमान समय की कैपिटल भी है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा ये दूसरे नंबर पर रहा। कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि स्वच्छता के मामले में सबसे तेज चलने वाला शहर राजस्थान का जोधपुर है। इसके अलावा स्वच्छता के मामले में सेल्फ सस्टेनेबल शहर यानी जिसे हम सस्टेनेबल शहर भी कह सकते हैं उनमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में गुजरात का राजकोट टॉप रहा। जबकि स्वच्छता के मामले में सेल्फ सस्टेनेबल शहर में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में कर्नाटक का मैसूर ये दूसरे नंबर पर रहा। आपको याद रखना यही मैसूर है जो कि 2016 में टॉप पर रहा था। सबसे स्वच्छ छोटे शहरों की बात करते हैं तो अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ का एक शहर है ये टॉप पर रहा और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये दूसरे नंबर पर रहा। 1 लाख से 3 लाख के बीच की आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर में आंध्र प्रदेश का तिरुपति टॉप पे है। इसके अलावा सबसे स्वच्छ राजधानियों में नई दिल्ली टॉप पे रही और NDMC सेकेंड नंबर पे रही। सबसे तेज बदलने वाले स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश का लखनऊ टॉप पर रहा, ये 12वें नंबर पे है। इसके अलावा सबसे तेज बदलने वाला सेल्फ सस्टेनेबल स्वच्छ राजधानी शहरों में मध्य प्रदेश का भोपाल टॉप पे रहा। सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है वो दूसरे नंबर पर रहा जबकि उत्तर प्रदेश का चुनार ये तीसरे नंबर पर रहा। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर उत्तर प्रदेश का गंगा घाट घोषित किया गया। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर 25,000 से 50,000 जनसंख्या के बीच में पंजाब का नवां शहर टॉप पर रहा और उत्तरी क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर 25,000 से कम जनसंख्या वालों में उत्तर प्रदेश का आवागढ़ टॉप पर रहा। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करते हैं तो इनमें सबसे स्वच्छ शहर रहा असम का जोरहाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर लेकिन 25,000 से 50,000 की जनसंख्या के बीच वाला नागालैंड का मोकोचुंग रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर 25,000 से कम जनसंख्या वालों में मणिपुर का जिरीबम टॉप पे रहा। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र के सबसे स्वच्छ शहर में उड़ीसा का धमतरी, छत्तीसगढ़ का जसपुर नगर दूसरे नंबर पे और गुजरात का पाटन ये तीसरे नंबर पे रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दक्षिण के बारे में, तो दक्षिण क्षेत्र के सबसे स्वच्छ शहर में रहा है आंध्र प्रदेश का पालम नेरू, दूसरे नंबर पे है तेलंगाना का मेडचल और तीसरे नंबर पे है पेरियापटना जो कि कर्नाटक में है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र के सबसे स्वच्छ शहरों में है महाराष्ट्र का रत्नागिरी, महाराष्ट्र का दूसरे नंबर पे शिरडी और महाराष्ट्र का ही है पन्हाला ये तीसरे नंबर पे रहा। देश की सबसे स्वच्छ छावनियों की बात करें तो जालंधर कैंट टॉप पे रहा, दिल्ली कैंट ये सेकंड नंबर पे है और मेरठ कैंट ये छावनियों के मामले में तीसरे पायदान पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है वो कौन थे? तो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन ये भारत के क्रिकेटर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, क्रिकेटर। पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और पिच क्यूरेटर गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1930 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। इनके कैरियर की शुरुआत रणजी ट्रॉफी 1948-49 सीजन में मैसूर से हुई थी और उन्होंने 1962-63 सीजन के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले लिया था। गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन एक तेज गेंदबाज थे जिन्होंने 36 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और मैसूर रणजी टीम जो कि अब कर्नाटक की टीम कहलाती है इसके कैप्टन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने BCCI मैदान और पिच समिति के अध्यक्ष और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में कोरमो जॉब्स नाम से अपना रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो कोरमो जॉब्स नाम से अभी अपना रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला जो विदेशी निजी कंपनियां हैं उनमें शामिल हो गया है गूगल, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, गूगल। गूगल ने भारत में कोरमो जॉब्स नाम से अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में काफ़ी मदद करेगा। कोरमो जॉब्स कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरियों गंवा चुके युवा पेशेवरों और नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब गूगल की बात है तो गूगल
इसका जो हेडक्वार्टर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और इसके वर्तमान समय के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस एबिंडर को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो लुइस एबिंडर, इन्हें अभी हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चाहिए, डोमिनिकन रिपब्लिक। ये डोमिनिकन रिपब्लिक जो ये है ये अफ्रीकन कंटिनेंट का एक देश है, आपको याद रखना है। लुइस रुडोल्फो एबिंडर कोरोना इनका पूरा नाम है और इन्हें अभी डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये लिबरेशन पार्टी के डैनिलो मदीना का स्थान लेंगे। एबिंडर की मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी ने हाल ही में चुनाव में 53% वोट अपने नाम किया, जबकि सत्तारूढ़ पीएलडी के उम्मीदवार रहे गोंजालो कैसले को कुल 37.7% वोट मिले हैं। अब बात है डोमिनिकन रिपब्लिक की, तो इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो और इसकी करेंसी है डोमिनिकन पीशो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी MOU पर साइन किया है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक MOU पर साइन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में, यानी जो आवासीय जो रेसिडेंटियल वहाँ की कॉलोनी है, उनमें धनवंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली, इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली के वर्तमान समय के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल, ये दिल्ली के वर्तमान समय के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, भारतीय रेलवे। हाल ही में इन रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल लगाने का निर्णय किया है। अब बात है रेलवे की, तो वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय मंत्री ने ट्राइफेड की ट्राइफूड परियोजना को लॉन्च किया है? तो ट्राइफूड की जो ट्राइफूड परियोजना है इसे लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अर्जुन मुंडा। वर्तमान समय की केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राइफेड की ट्राइफूड परियोजना के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया गया। ट्राइफूड परियोजना को महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू किया गया है। इस परियोजना से जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है। अब ट्राइफेड की बात है तो ट्राइफेड के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं रमेश चंद मीणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में किस कंपनी को भारतीय टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया है? अभी हाल ही में इनोक्स ग्रुप को टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है वहाँ पे भारतीय टीम का स्पॉन्सर घोषित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, इनोक्स ग्रुप। भारत में ओलंपिक गतिविधियों की शासी निकाय भारतीय ओलंपिक संघ और INOX ग्रुप ने टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया है। इस साझेदारी समझौता समूह की मनोरंजन कंपनी आइनोक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम इंडिया के प्रचार को आगे भी बढ़ाएगी। आइनोक्स ग्रुप एक विविध भारतीय समूह है जिसमें मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस, क्रायोजेनिक उपकरण, LNG स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण बनाने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था हाल ही में किस खिलाड़ी को
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था, उपर्युक्त सभी। अभी हाल ही में रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और एम थंगावेलु, उन चारों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया। लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को किसकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं, राजीव गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू और नेहरू गांधी। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।